हेलो दोस्तों दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने वही मैक से अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मैक लगाया है, जो कि 10 मीटर की दूरी तक भी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग को कैप्चर कर सकता है। तो आगे आप लोग दिखाते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और वो जो वीडियो है वो एक माइक के ऊपर है, जो डिजिटल माइक है, काफ़ी ज़्यादा बेहद बेहद शानदार माइक है। और उससे पहले आप लोग को ये दिखा देते हैं, ये माइक है जो काफ़ी ज़्यादा, इसको जैसे कि दोस्तों फर्स्ट बार में आप जैसे यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपको आवाज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती होगी, तो इसलिए आप लोग ये माइक को परचेज़ करें और इसको यूज़ करके देखें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि माइक कैसा है। जो ये है VD, ये देख सकते हैं प्राइस में लिखा हुआ है, पूरा इसका बायोडाटा इस पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको हम लोग अभी करके अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे आप लोग को, तो इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और इसका भी प्राइस सब बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा माइक है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें फंक्शन दिया हुआ है, जो कि आप लोग इसको ख़रीदने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये देखें, इसका नाम दिया हुआ है, ब्लूटूथ से आपका कनेक्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये। और इसका प्राइस राइस सब इसी पे है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये प्राइस। तो इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको ये बॉक्स में दिया हुआ एक इसका बुक्स, जो कि इसको यूज़ करने से पहले आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, जो कि इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आप यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हमारा रहा, जो कि इसको हटा देते हैं, और ये रहा हमारा माइक, जो कि ये है हमारा माइक, जो बेहद शानदार है, छोटा सा क्यूट है। और ये हमारा इसका चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। एक केबल है, डाटा केबल है, और ये दूसरा है इसका कोड है। तो ये दोनों के बारे में आप तो समझ चुके हैं दोस्तों। और ये हमारा रहा माइक, जो कि ये देखिए, ये है पावर बटन ये वाला, और ये आपका साउंड के लिए है, जो कि कम बेसी कर सकते हैं इससे। और काफ़ी ज़्यादा इसमें दिया हुआ है फंक्शन, जो कि आप लोग इसको परचेज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल आपको ऑन करके दिखाते हैं हम, जो कि यहाँ इसका लाइट आएगा, ये देखें। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा माइक, इसको कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका एक एप्लीकेशन है जो कि सिनेमा, ये देखें, यहाँ पे ओके कर दें। और यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको वॉल्यूम इस तरीके दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करके रिकॉर्डिंग सेव। उसके बाद यहाँ ब्लूटूथ म्यूजिक आपका हो गया, आपका जो भी आप इससे रिकॉर्डिंग कीजिएगा वो आपका माइक के थ्रू इस पर सॉन्ग आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।